हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल। आप देख रहे हैं अर्निंग एंड फन विद ए के। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बनाने का बहुत बड़ा मोटिव है क्योंकि जियो ने अभी अपने न्यू प्लान जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, और जो ये न्यू प्लान है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहते हो तो आप कुछ रुपए बचा भी पाओगे, इसके साथ साथ बेनिफिट भी ले पाओगे। अभी आप कम रेट में रिचार्ज कर सकते हो और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी पा सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। न्यू प्लान आए हैं उन्हें भी हम समझाएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का ऑप्शन दिखेगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करना। बगल में नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना ऑल नोटिफिकेशन पे, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आप देख पाओ और आप हर ऑफर का बेनिफिट ले पाओ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके पैसे भी बचाएंगे और आपको न्यू प्लान भी समझाएंगे। तो फ्रेंड, जियो के जो न्यू प्लान है वो आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी आइडिया और एयरटेल के प्लान्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं अप्रोक्स 40%। तो अब जियो के भी रेट बढ़ चुके हैं और ये जो इंक्रीमेंट होगा वो 6 तारीख से, मतलब 6 तारीख की सुबह ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 4 दिसंबर और 6 दिसंबर से ये प्लान बढ़ने वाले हैं। तो आपके पास आज का टाइम है और कल का टाइम है। आप अगर कल तक रिचार्ज कर लेते हो तो आप आगे यूज़ कर सकते हो कम रेट वाले प्लान को, क्योंकि अब जो 399 का है वो आगे जाके हो जाएगा 555 का। तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़ने वाले हैं, 150 रुपये तक आप अप्रोक्स बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहले प्लान समझ लेते हैं क्या रहेगा। जो प्लान आ गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। मैं अपना ब्रश ऑन कर लेता हूँ जिससे और बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा पाऊँ। तो ब्रश जैसे कि ऑन कर लिया मैंने, तो देखिए फ्रेंड्स, 1 महीने के, 2 महीने के और 3 महीने के जैसे कि प्लान थे। जैसे कि ये प्लान आप देख सकते हो, एक प्लान हो गया 149 का, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा रोज़ मिलने वाला है। और जैसे आप जियो से किसी और ऑपरेटर को कॉल करते हो तो आपको 1000 मिनट मिलेंगे 28 डेज़ के लिए। इसके साथ साथ 1 महीने का दूसरा प्लान है 249 का, जिसमें आप 2 GB डेटा पर डे मिलेगा और रिमेनिंग थिंग सेम रहेगी। 349 वाले में आपको 3 GB डेटा मिलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगर हम कंपेयर करें तो इसी में अगर हम देखें तो ये था पहले 149 का, और जो कि अब हो चुका है 200 रुपये का। इसके साथ साथ 399 का पहले आपको 3 मंथ्स के लिए यानी 84 डेज़ के लिए मिलता था, 399 का अब आपको मिलेगा सिर्फ 56 डेज़ के लिए। 1.5 GB डेटा और 2000 मिनट मिलने वाले हैं जियो से किसी और ऑपरेटर पर अगर आप कॉल करोगे तो इन मिनट्स को आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरे 2 मंथ में एक और है, मतलब 56 डेज़ के लिए 444, जो अभी आपको 82 डेज़ दे रहा है वो आपको तब देगा सिर्फ और सिर्फ 56 डेज़। तो काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे आपको 2 GB पर डेटा और 2000 मिनट मिलने वाले हैं। अगर आप 3 मंथ वाला प्लान डलवाते थे 399 वाला, तो वो अब आपको पड़ने वाला है 555 का। 1.5 GB डेटा आपको रोज़ मिलेगा, 3000 मिनट 3 महीने के लिए मिलने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, और एक हो गया है 600 का, जिसमें आपको 2 GB डेटा मिलेगा। अगर आप 12 मंथ वाला लेना चाहते हो तो आपको मिलने वाला है 2200 रुपये का, उसमें आपको 12000 मिनट मिलने वाले हैं 365 के लिए का रिचार्ज होगा। अगर आप इंटरनेट नहीं चाहते या कम चाहते हो तो आपके लिए नीचे अफोर्डेबल प्लान्स भी हैं, 129, 329 और 1299। तो ये प्लान है जो फ्रेंड्स काफ़ी अप्रोक्स 40% तक बढ़ चुके हैं। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप पुराने रेट पर कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहले बात समझ लीजिए। सपोज़ कीजिए आपका प्लान अभी चल रहा है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका प्लान एक्सपायर होने वाला है, जो समय आपका रिसेंटली प्लान है वो जनवरी में ख़त्म होने वाला है। तो आप चाहो तो जियो में अभी से रिचार्ज करवा सकते हो, लेकिन उस प्लान को आपको एक्टिवेट नहीं करना होगा। जब जियो वाले सेक्शन पे आप जाओगे तो देखिए इस तरह से आपको एक एक्टिवेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको एक्टिवेट नहीं करना है। अगर आपने इसको एक्टिवेट कर लिया तो ये आज से ही प्लान की डेट चालू हो जाएगी, बस आपको रिचार्ज करके रख लेना। जैसा कि आपको उस समय स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये मैंने रिचार्ज करके रख रखा है और मेरे को इस 399 में ही ये रिचार्ज हो जाएगा। तो अगर आप पैसे बचाना चाहो तो फ्रेंड्स, आप अभी से जियो का रिचार्ज करवा के रख सकते हो। सपोज़ कर लेते हैं अभी आप 399 का करवाओगे, विद इन 2 डेज़ आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट, मतलब बचने ही वाले हैं एक तरह से देखें। और आपको 399 का 399 में भी डलवाना, आपको सिर्फ 399 वाला 325 का पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा, आपको सबसे पहले माई जियो ऐप इंस्टॉल कर लेना होगा। वैसे 90% लोगों के फ़ोन में ये ऐप हो गई होगा। आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली हम आपको दिखा दें, जैसे कि आप इसके बाद नीचे आपको एक रिचार्ज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, रिचार्ज वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। रिचार्ज वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको सभी प्लान्स दिखा देगा, लेकिन जो अभी प्लान होंगे वो पुराने रेट के हिसाब से होंगे,
6 तारीख के बाद ये प्लान जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो 6 तारीख से पहले देख रहे हो तभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं कर सकता। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आगे भी आपको मिलती रहे। तो आपको ऊपर इस तरह से स्क्रॉल करना होगा फ्रेंड। जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे सबसे लास्ट में आपको अदर्स वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप 399 वाला प्लान अभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, 84 डेज़ के लिए मिल रहा है। आपको इस पर क्लिक करके नीचे बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए, जब आप रिचार्ज करने जाओगे तो आपको डिस्काउंट वाउचर सभी पे पड़े होंगे। आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसे अप्लाई करने के बाद जो आपका पे विल अमाउंट रह जाएगा आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा, वो जस्ट 349 रह जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 349। इसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो अमेज़ॉन UPI से 149 या उससे ज़्यादा की, 349 उससे ज़्यादा ही है, तो आपको अमेज़ॉन में 25 का कैशबैक मिलेगा। अगर आप पहली बार रुपए कार्ड से पे करोगे तो आपको 25 का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप पहली ट्रांजेक्शन करोगे गूगल पे पे, मतलब अभी तक हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, और तो उसमें आपको मिलेगा 149 का कैशबैक। जैसे ही सपोज कर लेते हैं, ये ऑफ़र तो हर कोई अप्लाई कर सकता है एक बार, तो आप चाहो तो अमेज़ॉन UPI से पे कर लेना। अगर आपने अमेज़ॉन UPI नहीं बना रखी तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा UPI बनाने के लिए। जब आप उससे लिंक से बनाओगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, क्योंकि उस पर भी रिफर एंड अर्न ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स। और मैं आपको गूगल पे ऐप का भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा और उससे आप रिचार्ज कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। तो उससे पहले आप अपने अमेज़ॉन में ज़रूर जाइएगा। अमेज़ॉन में जाने से, रिचार्ज करने से पहले आपको एक ऑफर सेक्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। जब आप ऑफर सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना होगा फ्रेंड्स। जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको एक ऑफ़र देखने को मिल जाएगा, जो आपको एप्लीकेशन में वहाँ भी शो हो रहा है और आपको यहाँ भी शो होने वाला है। जैसा कि मैं हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये देखिए जो जियो वाला ऑफ़र है, अगर आप 149 का रिचार्ज करोगे तो आपको 25 कैशबैक मिलेगा, लेकिन आपको पेमेंट किससे करना है, अमेज़ॉन UPI से। UPI ID बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे कलेक्ट दिस ऑफ़र पे क्लिक कर देना और सिंपली अब जाके यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना होगा अमेज़ॉन UPI से। आप यहाँ पे क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने UPI नहीं बना रखी तो बना लेना, आपको 50 रुपीज़ फ्री में मिलेगा जब आप पहली ट्रांजेक्शन करोगे। तो इसके बाद आपको 349 का रह गया, 349 के बाद आपको 25 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। तो 325 रुपये अप्रोक्स में आपका रिचार्ज पड़ने वाला है फ्रेंड्स। तो 325 रुपये में अगर आपको रिचार्ज मिला है 3 महीने के लिए, वो काफ़ी बेहतरीन बात है। ये रिचार्ज आपको कुछ दिनों बाद 355 रुपये का पड़ने वाला है, तो इससे बढ़िया है फ्रेंड्स आप अभी से रिचार्ज करवा के रख लो। ऐसा नहीं है कि आप एक रिचार्ज करवा सकते हो, आप चाहो 2 करवा लो, 3 करवा लो, 4 करवा लो, लेकिन जब आप एक्टिवेट करोगे वो उस दिन से आपके में लग जाएगा। या फिर सपोज़ करो आपका पुराना प्लान 6 तारीख को ख़त्म हो रहा है, तो वो 6 तारीख को जैसे ही प्लान ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद दूसरा प्लान ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और ये जब 3 महीने बाद ख़त्म होगा तो आपका तीसरा प्लान भी डला हुआ है तो वो तब एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके तीनों चारों प्लान एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे, आप एक एक करके एक्टिवेट करवा सकते हो। तो आप जितने चाहो रिचार्ज करवा लो, आपके 150 रुपीज़ अप्रोक्स हर रिचार्ज में बचने वाले हैं और आपको बेनिफिट भी लगभग लगभग सेम ही मिलने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, सबसे पहले रिक्वेस्ट हैगी। पहली बार मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को एक दिन में आपको जितना शेयर करना है 6 तारीख से पहले, आप प्लीज़ कर देना, क्योंकि 6 तारीख तक ही इस वीडियो का काम है, 6 तारीख के बाद इसका कोई भी यूज़ नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, हर कोई ऑफ़र का बेनिफिट ले पाए और अभी कम रेट में ही रिचार्ज कर पाए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।